बात अगर हम करें अगले क्वेश्चन की, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीरो से लेकर पाई फाइव ब्रैकेट में फाइव माइनस फोर कॉस थीटा का होल पावर वन बाई फोर साइन थीटा डी थीटा। क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखिए, जैसे ही क्वेश्चन को आप देखेंगे आपको इसका सॉल्यूशन तुरंत नजर आता है। जीरो से पाई फाइव ब्रैकेट में फाइव माइनस फोर कॉस थीटा का होल पावर वन बाई फोर साइन थीटा डी थीटा। आंख का अंधा भी इसको देखेगा तो आंख का अंधा भी इस क्वेश्चन को देख के ये बता देगा कि फाइव माइनस फोर कॉस थीटा को हम टी लेट कर लेते हैं। बच्चे जो यहाँ पर अक्सर गलती करते हैं वो ये गलती कर जाते हैं कि वो केवल कॉस थीटा को टी लेट कर जाते हैं। आप इस चीज को ध्यान से समझिए, अगर किसी कांस्टेंट के साथ किसी को टी लेट कर रहे हैं, जिसको भी टी लेट करते हैं उसका अगले लाइन में तो उसको डिफरेंशिएट करना रहता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपने आप में जीरो हो जाता है। बच्चे से जो गलती होती है इस तरह के क्वेश्चंस में वो ये हो जाती है कि कॉस थीटा को केवल वो टी लेट कर लेता है। कल के डेट में जब कॉस थीटा को टी लेट कर लेंगे तो यहाँ पर 5 माइनस 4 टी का होल पावर 1 बाई फोर, पावर 1 बाई फोर देख कर वो डर जाता है, ये फ्रैक्शन में पावर कहाँ से आ गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर समझ में आता है, a माइनस बी का होल क्यूब भी समझ में आता है। बहुत ज़्यादा होगा तो a माइनस बी का पावर 4 भी रहता तो बाइनोमियल थ्योरम लगा कर उसको एक्सपेंड कर लेते, या a माइनस बी का होल पावर 7, 8, 9 कुछ भी रहे बाइनोमियल थ्योरम से हम उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन पावर फ्रैक्शनल हो जाने के कारण 5 माइनस 4 टी अगर केवल कॉस टी को मतलब कॉस थीटा को केवल टी लेट किए रहते तो 5 माइनस 4 टी का होल पावर 1 बाई फोर, वो स्टूडेंट को यही समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में ये 5 जो है अपने आप में कांस्टेंट है, तो 5 माइनस 4 कॉस थीटा पूरे को आपने टी लेट करना है। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 5 का डिफ्रेंशिएशन 0, माइनस 4 हमारा वैसे ही है कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, टी का डी टी अपॉन डी थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, डी थीटा को हम इधर भेजेंगे और 4 को हम इधर वापस बुला लेंगे तो साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू डी टी अपॉन 4 आएगा। ये तो बात हो गया जिसको लेट किया उससे डिफ्रेंशिएट करके हमने साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू निकाल ली। अब बात करते हैं लिमिट की, लोअर लिमिट से लोअर लिमिट आएगी और अपर लिमिट से अपर लिमिट आएगी। तो जब थीटा की वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, अब ध्यान दीजिए कि जिसको आपने टी लेट किया है वहीं पर वैल्यू पुट करके हम नया वाला लिमिट का वैल्यू निकालते हैं, तो थीटा की जगह हमें 0 पुट करना है तो 5 माइनस 4 कॉस 0 इज इक्वल टू टी आएगा। कॉस 0 अपने आप में 1 होता है, 1 होगा तो 4 का उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4, 5 माइनस 4 आपका आ जाएगा 1, तो टी की फाइनल वैल्यू आई 1। अब आ रहा है थीटा इज इक्वल टू पाई, अगला लिमिट है हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई। पाई को जब आप यहां रखेंगे थीटा की जगह तो आपके पास आएगा 5 माइनस 4 कॉस पाई इज इक्वल टू टी। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कॉस पाई की वैल्यू जो है माइनस 1 होती है। कॉस पाई की वैल्यू अगर माइनस 1 होती है तो इसकी जगह तो आएगा माइनस 1, माइनस जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस बन जाएगा तो टी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। अब आइए, आपका जो क्वेश्चन था वो था आई इज इक्वल टू जीरो से पाई 5 ब्रैकेट में 5 माइनस 4 कॉस थीटा का होल पावर 1 बाई 4 साइन थीटा डी थीटा। लिमिट जो आपने चेंज किया था तो 1 से लेकर वो 9 तक बन गया था लिमिट। ये 5 जो है हमारा वैसे का वैसे ही रहेगा, 5 माइनस 4 कॉस थीटा इस पूरे को तो आपने टी लेट किया था तो टी की पावर आ गया 1 बाई 4 और साइन थीटा डी थीटा की जगह पर आ गया डी टी अपॉन 4। ये 5 और ये 4 ये दोनों यहां से बाहर निकल जाएंगे, बचेगा टी की पावर 1 बाई 4। टी की पावर 1 बाई 4 को आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं,
एक्स की पावर एन का फॉर्मूला यूज करके इंटीग्रेट करने के बाद इस लिमिट को पुट करिए। लिमिट को पुट करके थोड़ा ध्यान से अब सॉल्व करिएगा। लिमिट जब आप पुट करेंगे तो उसमें थोड़ा ध्यान से सॉल्व करिएगा। उसको सॉल्व करके आपका फाइनल आंसर आना चाहिए 9√3-1। यहां पर लिमिट पुट करने के बाद एक्सपोनेंशियल वगैरह का ध्यान रखिएगा, पावर को किस तरह से आप चेंज कर रहे हैं। फाइनल आंसर आपका आना चाहिए 9√3-1।